गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू वन न्यू व्लॉग केड़ा फैमिली व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी ठीक होंगे। मैं ज्योति गेड़ा एक बार फिर से आपका वेलकम करती हूँ अपने व्लॉग चैनल पे। तो व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ, जो मेरे व्लॉग को आज पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो टाइम हो रहा है अभी कुछ 6:30 और मैं जा रही हूँ अभी दूध लेने। यह है गाय का खाना, तो दूध लेके आती हूँ, फिर होती हूँ स्कूल के लिए रेडी, क्योंकि आज मुझे फिर से जाना है एग्ज़ाम ड्यूटी में। तो जाऊँगी स्कूल, अभी पौनू और बच्चे सोए हुए हैं, पौनू को भी जाना है कॉपी चेकिंग के लिए, बट वो लेट जाते हैं थोड़ा, तो आजकल लेट उठते हैं। और बाकी वही डेली रूटीन के वर्क चल रहे हैं, ब्रेकफास्ट बन गया है, झाड़ू पोछा हो गया है, यही सब चल रहा है। तो फिर मिलती, दूध लेके आती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे, शायद तब तक बच्चे भी उठ जाएं, तो फिर दिखाऊंगी आपको। तब तक के लिए गुड बाय। मिस्टर गेड़ा जी लगे हैं फोन में सुबह सुबह, आजकल व्लॉगिंग स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। से गुड मॉर्निंग। ये नित्या पी रही है दूध, अम्मा बना रही है दूध, काशु पी रही दूध, अम्मा बॉर्नविटा डाल के, ज्यादा बॉर्नविटा दिखा, तो बहुत चीनी बॉर्नविटा डाली होगी ना पक्का, दिखा दिखा, ये देख भर रखा है वो चीनी बॉर्नविटा से। क्यों नहीं पीते वो एक एक कप, सारा चीनी और बॉर्नविटा से भर देते हैं। मैं तो एक ही चीज डालती हूँ ना, या चीनी या बॉर्नविटा, अच्छी है वो चीनी, अच्छी चीज थोड़ी है। तो इतना दो, एक चम्मच चीनी एक चम्मच बॉर्नविटा डाल के वो मीठे के चक्कर से पीते हैं ना, खाली बॉर्नविटा डाला करो ना, उसमें तो चीनी होती है ना काशु। काशी से गुड मॉर्निंग। मम्मा को गुड मॉर्निंग भी नहीं बोला इसने आज, काशी नित्या ने तो बोला गुड मॉर्निंग मम्मा। रात को तो तेरे से भी गुस्से में बात कर रहा था, जब सो नहीं रही थी तो डांटा के सुलाया था। और क्या बोलते, नित्या ने तो उठते ही गुड मॉर्निंग मम्मा, हाउ आर यू मम्मा भी बोला। काशी मेरे से प्यार नहीं करती, ये अपने पापा से ही प्यार करती है बस, पापा को तो गले मिली, पापा की चमची। और तू किसकी चमची, लाडो किसकी चमची है, जैसे बाप वैसी बेटी। ओ बाप रे, कहाँ से सीखी है, जैसे बाप वैसी बेटी, टीवी से। अच्छा अच्छा, मेरी लाडो किसकी चमची है, जैसी माँ जैसी बेटी। अच्छा जैसी माँ वैसी बेटी। अच्छा मेरी लाडो किसकी चमची है, लाडो कौन है मेरी, सोना कौन है मेरी, फिर मेरी लाडो मेरी सोना, आलू आलू लाडो और सोना ना। एक पीता है कप में, लाडो पीती है कप में, सोना पीती है गिलास में, है ना। क्या पता बूबू, पता नहीं क्या बता रहे न्यूज़पेपर में। चलो पियो फिर पियो। हाँ ये देखिए, ये प्राणी जा रहा है विराज, चप्पल ढूंढता हुआ, हेलमेट लेता हुआ, बाय बाय। ओहो हो हो, चप्पल में कुछ आ गया है रे, चप्पल छोटे हो गए शायद रात भर में ना, आराम से भाई। अबे चलो अभी, चलो देशवासियों चलो, वो देखिए हमारे देश का भविष्य जा रहा है। हेलमेट बड़ा हो गया यार, तेले लग रहा है, बाय 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 बाय, चलो फिर चलो चलो आराम, चलो बाय 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 बाय। जब देखिए ये प्राणी निकलते हुए टेंटर है, मार्केट को कुछ मार्केट का सामान लेने, तो अभी भरा जा रहा है यहाँ पे, चलते हैं मार्केट को। आया देख लो, आया नहीं आया, आ गया
तेल भराने के बाद हम जा रहे हैं, निकल गए हैं, हमें शीशा निकल गया है। शाम के कुछ बज रहे हैं 5 o'clock और हम लोग चले गए हैं मार्केट। तो बहुत गर्मी है हल्द्वानी में आज, आज क्या मतलब पिछले 1 week से बहुत गर्मी होती है, गर्मी से हो रखा है बुरा हाल। गाइस हल्द्वानी का ट्रैफिक, इतना ट्रैफिक होने लग गया हल्द्वानी में भी अब। एक तो गर्मी, ऊपर से ये ट्रैफिक, भगवा कर रखा है पूरा भगवा। कोई नेता वेता आए थे शायद, शायद से आज कोई बीजेपी के नेता आए थे हल्द्वानी, तो इसलिए पूरा भगवा मई बना रखा है। हैं? अरे हाँ, धामी जी के जीते की खुशी में। सामान तो रिक्शे में लाना पड़ेगा क्या? हैं? सामान तो रिक्शे में लाना पड़ेगा। रिक्शे में ही लेके आएंगे फिर ऑटो में, नहीं स्कूटी में कैसे आएगा? दो स्कूटी भी लाते तो फिर भी एडजस्ट नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि बक्सा भी है ना। देखेंगे फिर, वैसे पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि 20-20 हो तो गुड़ी की है, 20 kg तो गुड़ी है। रिक्शा बुक करना पड़ेगा, ये रिक्शा सही है। जगह जगह रोड खुदरी है तो बहुत बुरा हाल है हल्द्वानी की रोडों का आजकल। जो रोड अच्छी होती है वो रोड खुद जाती है। और ये इसी मौसम पे होता है बरसात में भी रोड बहेगी ऐसे। हम अभी आ गए हैं मार्केट में शॉपिंग करने पहाड़ की। तो ये देखिए सामान की लिस्ट दे दी हमने। तो और भाई लोग क्या हाल है? सब बढ़िया, मैं भी ठीक हूँ। तो अभी बैठे हुए हम, लिस्ट दे दी हमने भैया को। तो भैया बना रहे हैं हमारा पैकेट, सामान भी बहुत है, 4 कथाओं का सामान है, बाकी और चीज़ें। तो भैया बनाते जाएंगे, उसके बाद हमने और भी शॉपिंग करनी है मार्केट की। जोर से बोल, आवाज़ नहीं आ रही होगी। जरी आ रही है मेरी आवाज़। ये देखिए सारी पौष्टिक दालें यहाँ पे हैं, सेहत बनाने के लिए आप खा सकते हैं। ओ मंदिर का सामान पैक हो रहा है, कितना मज़ा आता है ना दुकान के अंदर बैठ के। आहा, ये भैया पैक कर रहे हैं सामान, ना कुछ मत भूलना। इतनी सारी इलायची, काली मिर्च, चल बे चल, कैमरे में आने की हो रही है। ये देखिए धनिया रख दिया गया है, पेंटन, ये देखो है तो पतला ही। भैया पहाड़ लेके जाना है हमको। साइड वाले भी आते हैं क्या? साइड वाले ना वो वैसे नहीं आते, देख रहा था ना। चलें आगे से आएगा, देखो अभी हमें और सामान भी लेना है ना। नहीं आएगा, मैं पकड़ लूंगी। तो पूरा पैक तो होके हम निकल गए हैं अपना सामान लेके। सबका संघर्ष दिख रहा है। आज की हमारी शॉपिंग दमदार शॉपिंग, खूब पैसे फूंक दिया आज हमने। देखिए 10,000 की शॉपिंग करके आ गए हम।
ये आ गया हमारा पहाड़ का सामान। नहीं ये भी पूजा का है। अच्छा पूजा के चार है मेरे ख्याल से ना। हाँ, ये भी पूजा का। ये है पूजा के एक दो ये देखिए सामान की क्रॉसिंग करते हुए ये हमारे दो जज ये बीच में फालतू का आइटम मेरी गोद में बैठते हुए एक आइटम वहाँ है। अरे भैया क्या कर रहे हो गिराना मत पानी था टीवी हो जाएगा। मंदिर का सामान सारा आ गया। वाह धोती टोपी रखी जा रही है यहाँ शानदार। छोटा पैकेट आप जरा दाएं बाएं हो जाओ। मंदिर का है वो पाँव मत लगा उसमें गंदी बात। भगवान जी फिर काली परी को भेज देंगे। देखिए हम यहाँ दुकान खोलते हुए ये आया हमारे पास हल्दी। ये है हमारे मथन लाल। ये है हल्दी। ये है लाल मिर्च और ये है बड़ा मिर्च। ये तो बैठ जा तू वहाँ बैठ जा वहाँ बैठ जा काशी हम तेरी दुकान लगवा रहे हैं। बैठ जा उधर को बैठ जा बैठ जा ले लेके बोल धनिया ले लो बैठ जा फिर बैठ के बेचते ना सामान के पास बैठ तो जा। नमक ले लो तू उधर को जाना कैमरे के यहाँ से इधर को बैठना थोड़ा ये हाँ अब ले नमक बोल नमक ले लो बोल बोल यहाँ हल्दी ले लो ये मिर्च ले लो भैया ये मिर्च हैं कैसे पता लगा आपको मिर्चे दिखाऊं मुझे। ओ माय गॉड रेड चिली ताकि आयोजन में लोग ज्यादा ज्यादा खाना ना खा पाए एक एक पैकेट मंगाया गया है स्पेशल ये हमारी प्लानिंग है। ना ना ऐसे मत कर ऐसे मत कर तो चार रख दिए इसमें हमें। वो देखिए नित्या को किस तरह से मोबाइल में लगी है। सभी अभिभावक ध्यान दें अपने बच्चों को दूर करें मोबाइल से ये बहुत गलत बात है। मैं कैमरे रखने के बाद इसको फटकाता हूँ अभी वरना वॉयलेंस आ जाएगा। पापा भी थकते हैं वो बाजार में आए थे और पापा ने हमें भी नहीं ला रहे अभी नहीं ठंडी पानी से पापा अब बाहर नहीं आएंगे और यहाँ पे भी बैठिंग कर लिया बाय बाय टाटा।